सबसे पहले तो ये गाने सुनो आप। सुन लिया, आ गए वापस। अब गाने से तो समझ आ ही गया होगा आपको कि आज हम क्या करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, और मैं हूं निधि। आज का वीडियो होने वाला है मेरा टिप टिप बरसा पानी, और पानी ने स्किन की वाट लगाई। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्किन केयर रूटीन फॉर द मानसून सीजन, राइट। सो आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा SL वर्ल्ड, बारिश का मौसम यानी स्किन की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम यानी प्रोडक्ट्स कौन सा यूज़ करें। सो आज हम घर में ही करेंगे DIY, और हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो सारा हम मतलब केमिकल फ्री है, और कैसे बनाना है मैं बताने वाली हूँ आपको। और आप सोचोगे देखकर कि यार इतना सारा टिटम्मा करना पड़ेगा स्किन केयर के लिए, तो यस, बिना मेहनत करे तो कुछ भी हासिल नहीं होता। आप देखो मैं YouTube वीडियोस बनाई जा रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है आप लोग इसे पसंद करोगे नहीं करोगे, सिर्फ एक उम्मीद है कि भाई अच्छा लग जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं मैंने मानसून स्किन केयर रूटीन कैसे किया है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्लींजर प्रिपेयर किया है। इसके लिए मैंने 2 स्पून रॉ मिल्क लिया है और 1 स्पून लेमन जूस लिया है। इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लो और ये आपका क्लींजर तैयार हो गया। देन सेकंड स्टेप है हमारा स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए मैंने लिया है 1 स्पून सेमोलिना सूजी, 1 स्पून ग्राम फ्लोर बेसन और 2 चम्मच कर्ड। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लो, ये हमारे घर में ईजिली अवेलेबल होता है। देन हमारा स्क्रब तैयार हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेस मास्क। फेस मास्क के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच सैंडलवुड पाउडर, 1 चम्मच एलोवेरा पाउडर, 1 स्पून हनी और रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपको तब तक ऐड करना जब तक इसकी कंसिस्टेंसी एक स्मूथ पेस्ट जैसे नहीं बन जाती। एलोवेरा पाउडर नहीं है तो एलोवेरा जेल भी मिक्स कर सकते हो आप। ये हमारा थर्ड स्टेप के लिए इन्ग्रीडियंट प्रिपेयर हो गया। देन हमारा फोर्थ स्टेप है टोनर। ये DIY बीटरूट टोनर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के लिए आपको चाहिए 1/4 स्पून ग्लिसरीन और 1 स्पून रोज़ वाटर। ग्लिसरीन आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, एंड डोंट वरी, मैंने इस पर रिसर्च कर रखी है। तो आप ह्यूमिड वाले वेदर में थोड़ा कम ले लो, और इससे अच्छा मॉइस्चराइज़र, नेचुरल मॉइस्चराइज़र कोई नहीं हो सकता, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और वैसे मतलब बचपन से ही आप सुनते आए होगे कुछ नहीं समझ आए तो यार ग्लिसरीन रोज़ वाटर लगा लो, सबसे बेस्ट है। क्लींजर, स्क्रब, टोनर, पैक और मॉइस्चराइज़र। अब हम चलते हैं हमारे स्किन केयर रूटीन की तरफ। आपको कॉटन बॉल को डिप करना है क्लींजर में और अपने फेस को 1 to 2 मिनट्स तक ऐसे कॉटन की हेल्प से क्लीन करना है। मिल्क नेचुरल क्लींजर है और लेमन में सिट्रिक एसिड होता है जो आपके स्किन के डॉट को निकाल देता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रबिंग। स्क्रबिंग में हमने ऐड किया था सेमोलिना और बेसन, सूजी और बेसन। सूजी दरदराया सा होता है थोड़ा सा, फाइन ग्रैनुल्स होते हैं उसके, तो ये स्क्रबिंग में आपको एक्सफोलिएशन में हेल्प करता है। बेसन आपके स्किन टोन को लाइटन और ब्राइटन करता है, और कर्ड भी आपको इक्वली सेम काम करता है जैसे बेसन करता है, और आप कर्ड आपके स्किन को मॉइस्चराइज़ करने में हेल्प करता है। ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र में काउंट होता है। आपको ये वाले स्टेप को 2 to 3 मिनट्स तक करना है अच्छे से, जैसे मैं दिखा रही हूँ। इसको स्किप मत करना बिकॉज सारा काम ही आपका यहीं पे ही होगा। देन आपको पानी से वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से, और तौले से सुखा लो। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा थर्ड स्टेप, फेस मास्क। फेस मास्क के लिए हमने सैंडलवुड पाउडर और एलोवेरा पाउडर लिया है। आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हो, आपकी स्किन ड्राई को सूट नहीं करता है तो आप ये स्किप भी कर सकते हो। इन दोनों को मिक्स कर लो, 15-20 मिनट तक लगा लो और फेस वॉश कर लो। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 4, टोनर, बीटरूट टोनर। ये एक DIY है, इसका मैंने उसको ऑलरेडी बना रखा है, यूज़ कर रखा है, इसका रिजल्ट है, इसलिए मैंने फिर इसे अपने इस DIY में शामिल किया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 5, मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के लिए हमने ग्लिसरीन और रोज़ वाटर लिया है। ये नेचुरल
मॉइस्चराइज़र है, आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म, डू एनी हार्म टू योर स्किन। इस वाले स्टेप के लिए आपको 7 to 10 मिनट तक मसाज करनी है। एक बार इस रूटीन को अपने स्केड्यूल में शामिल करके देखो और आप डिफरेंस खुद ही देखोगे। मेरे सारे सोशल मीडिया के हैंडल नीचे दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। और अच्छा लगा होगा तो थम्स अप दीजिएगा। कुछ आपके सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, किसी भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे टैप कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नमस्कार।